हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और मेरे साथ इस समय है पद्मा जी, जो मेरे पास आई हैं ऑल द वे फ्रॉम लद्दाख। और ये मेरे पास आई थी फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स के लिए। इनकी ऊपर की हड्डी बिल्कुल भी नहीं थी, पूरा रिजॉर्प्शन था। और हमने जाइगोमैटिक इम्प्लांट्स किए और इनको फुल माउथ फिक्स्ड डेंटल इम्प्लांट स्माइल दे दिए। तो पद्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे पास आई बहुत दूर से, आपने हम पे ट्रस्ट किया और फाइनली हमने आपको आपके फिक्स डेंटल इम्प्लांट स्माइल दे दिए। अभी कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है सर, पहले फाइनली दांत, हाँ दांत लगेगा, अभी नहीं ऐसा लग रहा था, अभी लग गया। तो इतने साल क्यों लगवा दिए इतने दांत, कैसे इतने इतनी जल्दी? आप तो काफी यंग है, दांत कैसे निकल गए इतनी जल्दी? कितनी एज है आपकी? 43 में कैसे निकल गए दांत? ध्यान देगा अपने अपने दांतों का, कैसे निकल गए दांत ये बताइए पहले। 43 है उसमें, आपने अपने दांत कैसे गवा दिए? नीचे के तो दांत हैं आपके, ऊपर की कैसे गवा दिए? ऊपर की मैंने साफ नहीं रखा होगा। साफ नहीं रखा होगा, ठीक है। अब आपके डेंटल इम्प्लांट लग चुके हैं, जब सर्जरी के दौरान किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हुआ आपको? नहीं सर, ठीक था। ठीक है, जब हमने आपके फिक्स दांत दे दिए हैं अब, और जो आपके सामने उस कैमरा में वीडियोज में आपको जो पेशेंट देख रहे हैं आपके भाई और बहन, उनको कुछ कहना चाहेंगे? डेंटल इम्प्लांट के बारे में, अपने दांतों को कैसे ख्याल रखें? कैसे अपना दांतों का ख्याल रखें? जैसे मैंने नहीं रखा मगर आपको जरूर रखना है, रखना है। मुझे पता नहीं था ना ये सब होता है, तो अब लोग रखिए अपना दांत। तो आपने भी ट्रीटमेंट में पूरा साथ दिया, तो और दोबारा से मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा, आप इतनी दूर से आई। और सिर्फ यही बोलूंगा कि अब आपके जो नए दांत हैं, नई शुरुआत है, और आपको आपके जो नए दांत हैं आपके लिए लकी साबित हो, और आप फले और फूले, और मैं आऊंगा आपके पास वो थुक्पा पीने के लिए, सूप पिलाएंगी मुझे आप? जरूर जरूर। तो मैं आने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ आपके पास, ठीक है? तो और भी पेशेंट जो डेंटल इम्प्लांट्स के बारे में जानना चाहते हैं, मेरा पूरा वेबसाइट dentalimplantindia.co.in, यूट्यूब में बहुत सारे लाइव केसेस, बहुत सारे पेशेंट टेस्टिमोनियल्स, बहुत सारे ट्रू पेशेंट फीडबैक। अगर आप दांतों से परेशान हैं, मिसिंग दांत है और लगता है कि हड्डी बिल्कुल भी नहीं है, तो ज़रूर मेरा चैनल देखिए, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। डेंटल इम्प्लांट ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग डिजिटल क्राफ्टेड स्माइल करते हैं, डिजिटल प्लेसमेंट करते हैं, और कंप्यूटर नेविगेटेड सर्जरीज होती हैं, जिससे जो पेशेंट का जो एक्सपीरियंस होता है, जो सर्जिकल प्रोटोकॉल होता है, वो बहुत ईजी हो जाता है। नोबल बायकेयर हमने इम्प्लांट इनके प्लेस किए, नोबल जाइगोमैटिक इम्प्लांट्स, और उसके बाद टाइटेनियम मिल्ड फ्रेमवर्क जो कैडकैम डिज़ाइन है, पोलो मोलो की था, हमने जो प्रोसेस था वो दिया। और पूरे के पूरे प्रोसेस में इट टुक अस 2 वीक्स टू कम्प्लीट द होल प्रोसेस, इन्होंने भी बहुत साथ दिया। और आशा करता हूँ कि इनका जो ये प्रोसेस है ये लॉन्ग लास्टिंग हो, और ऐसी आपको सिर्फ इसका मेंटेनेंस रखना है, सिर्फ इसकी क्लीनिंग रखनी है, जैसे आप नॉर्मल दांतों की रखते हैं, ठीक है? तो अगर आपको भी जानकारी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए डेंटल इम्प्लांट्स के लिए, तो आप हमें DM कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।